Class 6 SST, The Earth, Our Habitat, from Geography, this chapter number 1 and part 2, The Earth in the Solar System. इसके पिछले वाले पार्ट में हमने काफी कुछ देखा, अब कुछ और नई बातें शुरू करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में. सूर्य के चारों ओर पूरे चक्कर लगाने में इनको कितना समय लगता है, अपने एक्सिस पर रोटेशन करने में इनको कितना टाइम लगता है, और इसके अलावा प्लैनेट्स की मून्स कितने हैं. सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की. इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 88 डेज, रोटेशन पीरियड है 59 डेज. मून कोई भी नहीं है. नेक्स्ट वीनस, रेवोल्यूशन पीरियड 255 डेज, रोटेशन पीरियड 243 डेज. मून कोई भी नहीं. थर्ड अर्थ, अर्थ के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करने के हिसाब से, रेवोल्यूशन पीरियड 365 डेज, रोटेशन पीरियड 1 डे, नंबर ऑफ मून 1. फोर्थ नंबर पे आता है मार्स. इसका रेवोल्यूशन पीरियड 687 डेज है और रोटेशन पीरियड 1 डे ही है. इसके दो मून है. नेक्स्ट जुपिटर, रेवोल्यूशन पीरियड 12 ईयर्स और रोटेशन पीरियड 10 आवर्स, नंबर ऑफ मून्स 53. नेक्स्ट सैटर्न, रिवोल्यूशन पीरियड 29 ईयर्स, रोटेशन पीरियड 10 आवर्स, मून्स इसके भी 53. सेवेंथ नंबर पे यूरेनस, रिवोल्यूशन पीरियड 184 ईयर्स, रोटेशन पीरियड 17 आवर्स, नंबर ऑफ मून्स 27. नेक्स्ट नेपच्यून, रिवोल्यूशन पीरियड 164 ईयर्स, रोटेशन पीरियड 16 आवर्स, नंबर ऑफ मून्स 13. एक बार प्लूटो के बारे में भी, हालांकि ये अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, अगस्त 2006 के बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि अब प्लूटो को सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी कि अब ये छुप गया है, अब ये टेलीस्कोप के जरिए भी नजर नहीं आता. स्पेस के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. पहला फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन तीनों के चारों ओर एक रिंग है. ये रिंग जो है वो छोटे छोटे चट्टानों के जो पीसेस होते हैं वो इनके चारों ओर घूमते रहते हैं. इवन इन रिंग्स को अर्थ से बड़ी टेलीस्कोप्स के जरिए देखा जा सकता है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. These are belts of small debris. Debris means broken pieces of rocks. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescopes. Light year, distance के measurement के लिए एक standard unit है जब हम बात करते हैं space की, because space में काफी ज्यादा distance को नापना पड़ता है उसके हिसाब से. लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 km/s, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. प्रकाश की गति 300,000 km/s होती है और इस स्पीड के साथ में सूरज का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है. नील आर्मस्ट्रांग एस्ट्रोनॉमर का नाम है. नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21st July 1969. यू जस्ट फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रांग वो पहला व्यक्ति था जिसने 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था. एक असाइनमेंट है आपके लिए कि क्या कोई भारतीय भी है जिसने चंद्रमा पे कदम रखा है. A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. Satellite किसे कहते हैं? Satellite एक celestial body है जो planet के चारों तरफ घूमती है, ठीक उसी तरह जैसे planets sun के चारों तरफ घूमते हैं. ये natural satellite भी होते हैं, human made satellites भी होते हैं. Human made satellite के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं. Human made satellites is an artificial body. It is designated by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in the space are INSAT, IRS, EDGESAT, etc. Human made satellites वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें रॉकेट्स के जरिए अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है ताकि हम स्पेस के बारे में जानकारी ले सकें और इसके अलावा कम्युनिकेशन सेट कर सके. इंटरनेट वगैरह इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए चलते हैं. कुछ सैटेलाइट्स के नाम इनसेट, आईआरएस और एजुसेट. द अर्थ, पृथ्वी. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. पृथ्वी तीसरा निकटतम ग्रह है सूर्य का. इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट. आकार के हिसाब से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है. इट इज स्लाइटली फ्लैट एंड एट द पोल्स. यह थोड़ा सा दबा हुआ है पोल वाली जगहों पे. दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड. इसीलिए इसकी शेप को जियोइड के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है. जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. जियोइड का मतलब ही है
पृथ्वी के जैसा आकार। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल मात्र पृथ्वी पर ही दिखने में आती हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। पृथ्वी ना तो ज्यादा गर्म है ना अधिक ठंडी है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। यहाँ पर पानी और हवा है जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और यहाँ की हवा में जीवन के लिए जरूरी जो गैस है ऑक्सीजन वो भी उपलब्ध है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज द यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सोलर सिस्टम का यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहरी अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी नीली नजर आती है। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। द मून चंद्रमा। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वह चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसके डायमीटर की अगर बात करें तो वह पृथ्वी के डायमीटर का केवल 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे प्लेनेट के काफी निकट है अगर हम तुलना करें दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में तो। इट इज यह हमसे 384,400 किलोमीटर दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसे रोटेशन में भी लगभग इतना ही समय लगता है। और यही कारण है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही साइड देख पाते हैं एट ए टाइम में। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चंद्रमा पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इट हैज माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। इसकी भूमि पर पहाड़ हैं मैदान हैं और काफी बड़े बड़े खड्डे हैं। ग्लोसरी के हिसाब से कुछ चीजों को हमें और जानना चाहिए जैसे एस्टेरॉयड मेटेरॉयड्स गैलेक्सीज। स्पेस में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एस्टेरॉयड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। These bodies are called asteroids. They are found between orbits of Mars and Jupiter. Stars हुए, planets हुए, satellites हुए, इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे bodies ये भी सन के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं और इन्हीं celestial bodies को हम asteroids कहते हैं। ज्यादातर ये Mars और Jupiter के orbits के बीच में नजर आते हैं। Meteoroids, asteroids को बड़ी बड़ी चट्टाने मान लो वो होती हैं, लेकिन meteoroids जो हैं, वो उन्हीं चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो भी सन के चारों ओर घूमते रहते हैं इन एस्टेरॉइड्स के साथ ही। गैलेक्सी किसे कहते हैं? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक बहुत बड़ी प्रणाली जिसमें लाखों सितारे, बहुत सारे धूल के बादल और गैसेस के बादल, इस पूरी प्रणाली को गैलेक्सी कहते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट are still trying to find out more and more about it. एक यूनिवर्स को बनाने में हजारों ऐसी गैलेक्सियां लग जाती हैं। ये बहुत ज्यादा कठिन है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। Do you see whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. क्या तुमने कभी सफेद रंग की पट्टी जो कि चमकती हुई है आकाश में, कभी बिल्कुल साफ सुथरे सितारों वाली रात में आसमान में देखी है? ये बहुत सारे हजारों सितारों का एक पूरा का पूरा क्लस्टर। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। इसी सफेद पट्टी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट ग्लोइंग इन द स्काई। जस्ट इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा। प्राचीन भारत में ये इमेजिन किया जाता था कि यह प्रकाश की बहती हुई नदी है आकाश में, इसीलिए इसे आकाशगंगा का नाम दिया गया था। ओके, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट एक स्टार से किस तरह से अलग है? स्टार, सम ऑफ देम आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस।
स्टार्स की बात करें तो काफ़ी बड़े और बहुत गर्म होते हैं, ज़्यादातर गैसेस के बने हुए होते हैं। इनकी अपनी हीट होती है और लाइट होती है, छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है हमसे। प्लैनेट्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट बट लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट या लाइट नहीं होती है, वो तो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, ऐसी बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये अंतर हो गया स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? आंसर, द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली विद द सन एज देयर हेड। हमारा सूर्य, 8 ग्रह, उसके सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स हुए, ये सब मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, एक सूर्य का परिवार बनाते हैं जिसमें सूर्य जो है वो मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इसका आंसर बैठता है, प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस एंड सबसे लास्ट में नेपच्यून। प्लूटो का नाम हम नहीं लेंगे बिकॉज प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अब अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, उसमें बस अर्थ की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी लिख सकते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जॉइंट, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हम चंद्रमा की केवल एक साइड हमेशा क्यों देख पाते हैं? इसका आंसर बैठता है, द मून मूव इन अबाउट 27 डेज, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा चक्कर काटने में 27 दिन लगते हैं और ठीक इतना ही टाइम इसको अपने खुद के एक्सिस पे रोटेशन करने में लगता है, तो फिर परिणाम स्वरूप हम चंद्रमा का एक ही साइड तो देख पाएंगे ना पृथ्वी से। ये इसका आंसर हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन बैठ रहा है, व्हाट इज द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स बताने के लिए हमें गैलेक्सी के बारे में बताना है, गैलेक्सी के बारे में बताते हुए फिर यूनिवर्स के बारे में बताना होता है। आंसर, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, दैट मीन्स द यूनिवर्स। हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं कुछ एक एमसीक्यूज फिलिप्स। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा कहलाता है? वीनस, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, किस तरह के पैथ में जो है सूर्य के चारों ओर ये प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं? यस, अलोंगेटेड पैथ। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, पोल स्टार का जो डायरेक्शन वो किस तरफ है? नॉर्थ में। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किस किस के ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड्स दिखने में आते हैं? मार्स एंड जुपिटर। अब फिलिप्स देख लेते हैं, आपके सामने है फिलिप्स, ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन, नेक्स्ट अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ मून, डैश इज द नियरेस्ट, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन अर्थ, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, या फिर हीट एंड लाइट, एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक्स फॉर सीइंग एंड लिसनिंग केयरफुली, यू हैव टू रिवाइज इट वन मोर टाइम, होप यू एंजॉयड दिस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। This presentation is brought to you by Indra Vijay Sir.